गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल, आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉल्यूम फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोगों को एक प्रैक्टिस सेट हिंदी ग्रामर का, जिसमें हम चार ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, ट्रिक्स बताते हैं और वीडियो के साथ याद करा देते हैं। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, 120+ वीडियोज पड़ी हुई हैं, वहाँ जाके हिंदी को इम्प्रूव कर लेना, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना वीडियो को और दोस्तों में शेयर कर देना और थोड़ा सपोर्ट करना। अगर कोई न्यू अगर स्टूडेंट आया हुआ है तो वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को प्लीज़, ठीक है। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। संज्ञा के भेद नहीं है, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं 3, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर होते हैं 5, ठीक है। अब इसमें से निजवाचक है ना, ये संज्ञा का भेद नहीं है, क्योंकि ये किसका भेद है? ये सर्वनाम का भेद है। किसका भेद है? सर्वनाम का। ये क्वेश्चन आज जो जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सब पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में, ठीक है। SI में है, कुछ कॉन्स्टेबल के। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और क्या होती है? समुदायवाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इस तरीके से 5 प्रकार की होती है अभी संज्ञा, और इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट, क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे, इसमें रेखांकित पद क्या है? आप क्या है इसमें? आप है यहाँ पे सर्वनाम। आप क्या है यहाँ पे? सर्वनाम है, ठीक है, याद रखना। और विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ठीक है। क्रिया भी आपकी कितने प्रकार की होती है? सकर्मक, अकर्मक होती है और सरल और आपकी सरल, संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक, इस तरीके से भी होती है। तो क्रिया तो कई तरीके से हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा सर्वनाम है? इन चारों में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आप क्या है? सर्वनाम है। नदी क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। घर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है आपका? 6 प्रकार का होता है। कितना? 6 प्रकार। और सर्वनाम देखो, पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है प्रश्न करते हैं निज से। ये लाइन याद कर ली ना तो 6 प्रकार के सर्वनाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम, याद रखना, क्वेश्चन आज पूछा जाएगा इस तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पूछ रहा है पुरुषों का निश्चय निश्चय बताया था ना, तो उसमें सबसे पहला कौन सा सर्वनाम था? पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, उत्तम तो होते हैं हम या मैं, और एक होता है मध्यम पुरुष, मध्यम होता है तुम, और एक होता है अन्य पुरुष। जो बात करता है वो तो होता है उत्तम, जो सुन रहा होता है वो होता है मध्यम, और किसी अन्य के बारे में अगर हम बात करें तीसरे व्यक्ति के तो वो हो जाता है अन्य पुरुष, ठीक है। तो कितने भेद होते हैं इसमें? 3। और सर्वनाम में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं? 7। वैसे कारक चिन्ह आपके हिंदी में कितने बताए गए हैं? 8, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, कॉमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दोगे, ठीक है। आंसर दे देना A या B, बता देना कौन सा होगा। नेक्स्ट, यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, तो इसमें ये मेरी कौन सा है? ये है निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक, ठीक है। अगर ये इस तरीके से लिखा होता, यह पतंग पतंग सतरंगी है, सतरंगी है, तो जब भी संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाता है तो ये वाला पता है क्या हो जाता है? फिर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। फिर ये कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, आप लोगों के लिए ये कमेंट बॉक्स पूछते रहा करो अगर कोई कंफ्यूजन हो। निम्न में ऐसे कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक मैंने कितने बताए थे ऊपर? मध्यम पुरुष बताया था, उत्तम पुरुष बताया था, अन्य पुरुष बताया था, अति उत्तम तो मैंने नहीं बताया आप लोगों को, जब नहीं बताया तो यही भेद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट, वचन किसके लिए प्रयोग होते हैं? SI में पूछा गया, UPSI में। तो वचन किसके लिए प्रयोग होते हैं? वचन होते हैं संज्ञा के लिए। और संज्ञा कितने प्रकार बताए मैंने? अर्थ के आधार पर बताएं 5, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर बताए मैंने आपको 3, और वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन, 2 प्रकार के, ठीक है। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, 2 ही इसमें लिंग होते हैं हिंदी में, इन्हें भी याद रखना, ठीक है। अलंकार कितने होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ठीक है, उभयालंकार, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना, ठीक। और शब्दालंकार में और आप जानना चाहो तो कौन कौन से आएंगे? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो इसमें कोई क्या है?
इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो कोई सज्जन, निश्चित है अनिश्चित है, तो कोई भी हो सकता है, कोई मतलब तुम्हारा रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आस पड़ोसी हो सकता है, तो कोई सज्जन, तो ये क्या हो, अनिश्चित अनिश्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि निश्चित नहीं है ना। नेक्स्ट, व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को, देखो ऐसा ही पूछा गया 2017 में, कितना बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग कहते हो सर बेसिक बेसिक कभी मत कराया करो, तो बेसिक क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे टफ पूछ लेगा। 90% क्वेश्चन आपके बेसिक ही होंगे, 10% आपके टफ क्वेश्चन होंगे केवल। तो व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं आप? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोई आपसे मिलने आया है, कोई आपसे मिलने आया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है। कोई मतलब फिक्स नहीं है, कोई भी हो सकता है। निजवाचक इस तरीके से होता है, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। आप शब्द जो होता है ना, अपने आप, मैं कपड़े अपने आप प्रेस कर लूँगा, तो ये होता है निजवाचक। संबंध होता है, जिसकी लाठी उसकी बैंस, जो सो, इस तरीके के संबंध में। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, इस तरीके का विराम चिन्ह लगाओ, क्या आपने काम कर लिया, क्या आपने पढ़ाई कर ली, इस तरीके के जो आएंगे ना वो आपके किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे, याद रखना इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, ऐसे समझ लो। बाकी में रेखांकित पद पूछ रहा है, पहले तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? धार्मिक है। कैसा है? धार्मिक है, तो ये हो गया विशेषण। ऐसे देख लो, राम धार्मिक व्यक्ति है, तो किसी की विशेषता हो सकता है धार्मिक, क्या हो सकता है? विशेषता हो सकता है, तो धार्मिक तो हो गया विशेषण। व्यक्ति क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है ना वो विशेष्य हो जाता है। और अगर इस विशेषण की भी कोई विशेषता बताता, जैसे कि बता रहा है बहुत, यहाँ पे क्या दे रहा है? बहुत, तो ये धार्मिक तो था विशेषण, और बहुत बता रहा है धार्मिक की विशेषता, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रविशेषण वाला। आटे में थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा कितना, कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो अनिश्चित होगा, और ये क्या होगा? संख्या तो होती नहीं, एक नमक दो नमक नहीं होता, परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विशेषण है? विशेषण होता है जैसे स्वभाव कैसा होना चाहिए, स्वभाव होना चाहिए शांत, शांत स्वभाव होना चाहिए, ठीक है। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शांत, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विशेषण है उसे पहचानी, जैसे ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल क्या है? स्थापत्य कला का ऐतिहासिक नमूना है, स्थापत्य कला का ऐतिहासिक नमूना है, तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक। इतिहास में जब हम एक लगाते हैं ना, इतिहास में जब हम एक लगाते हैं तो बन जाता है वो ऐतिहासिक, याद रखना। अपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा होता है, इसका विलोम अगर पूछ ले तो क्या होता है? उपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, याद रखना। नेक्स्ट, समझदार शब्द विशेषण में कौन सा भेद है? राम समझदार है, राम समझदार है, तो ये उसका क्या हो सकता है? गुण हो सकता है, समझदार कोई संख्या तो ही ना हो सकती। सार्वनामिक विशेषण तो जब होता है, जब यह पतंग मेरी है, इस तरीके से होता है, यह कार मेरी है, तो कार की विशेषता यह है, तो पतंग की विशेषता ही, तो जब होता है परिमाण होता है किसी वजन तौल नाप तौल वगैरह में, तो समझ में कोई नाप तौल तो ही ना आएगी, तो ऐसे ही देखो गुण है, क्या है? गुण है। नेक्स्ट, चर्चा शब्द से बना विशेषण है, चर्चा से विशेषण बनता है चर्चित, क्या बनता है? चर्चित। जैसे देखो, ऐसे ये विशेषण है कि नहीं है, ऐसे देखो, राम चर्चित व्यक्ति है, राम चर्चित व्यक्ति है, चर्चित मतलब हो गया जिसकी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे देखो, चर्चाएं हो रही हैं, तो ये क्या है? ये विशेषण नहीं हो सकता, चर्चाएं हो रही हैं, अच्छी चर्चा हो रही है, बुरी चर्चाएं, तो बुरी चर्चाएं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ विशेषण नहीं बनेगा, विशेषण क्या बनेगा आपका? चर्चित बनेगा, ठीक है। और ये चर्चा चल रहा है, ये तो कुछ नहीं मत बनेगा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, थोड़ा सा कर दो, क्या है? अनिश्चित परिमाण है, निश्चित हो ना, थोड़ा सा में तो कुछ भी हो सकता है, गुण है नहीं, सार्वनाम है नहीं, तो क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में सबसे क्या है? क्या पूछ रहा है? सबसे, अभी देखो मैंने क्या बताया था, नदी क्या हो गई यहाँ? विशेष्य। क्या हो गई? विशेष्य।
चौड़ी क्या हो गई, इसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा विशेषण। किसके बारे में पूछा है, सबसे, तो विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है, सबसे, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा प्रविशेषण। कन्फ्यूजन हो रहा हो ना तो पूछ लेना प्लीज़, ऐसे खाली हाथ मत जाना कि आप बिना समझे चले जाओ कि छोड़ देते हैं, तो ये हो जाए प्रविशेषण, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ बता दूँ, क्रिया विशेषण ये भी चार प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थान, काल, रीत, परिमाण, इस तरीके से चार याद करो, स्थान, काल, रीत, परिमाण, तीन चार बार बोलो याद हो जाएगा। चंद रुपये बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। चंद रुपये, रुपये तो संख्या होती है, रुपये क्या होती है, संख्या होती है, और चंद मतलब, चंद में तो कुछ भी हो सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, तो अनिश्चय संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना राम बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छा है, राम की विशेषता क्या है, अच्छा है, अच्छा कितना, बहुत अच्छा, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं, प्रविशेषण। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, तो अमरूद कैसे, इलाहाबाद के, कैसे, इलाहाबाद वाले, तो ये क्या हो जाएगा स्थानवाचक। कैसी विशेषता बताई जा रही, स्थान की विशेषता बताई जा रही, इलाहाबादी, और इलाहाबाद में किसका जन्म हुआ था, आपके हरिवंश राय बच्चन जी का, ठीक है याद रखना। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अब देखो परिमाणवाचक, ये तो परिमाण है 2 किलो 10 किलो, ये भी है, ये भी, अनगिनत तारी, अनिश्चय, अनिश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। आप लोग बताना आज कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्रैक्टिस है प्लीज़, सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ठीक है, बताना कि आप लोगों ने, इतने दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 4 महीने होने जा रहे हैं, 4 मंथ होने जा रहे हैं कंप्लीट, तो आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं आज, कितने गलतियाँ हो रही हैं, तो सब लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चाहे जितने भी लोग आप देखो वीडियो, बस ये बता देना कि इतना मेरा आज स्कोर रहा, फिर उसी के हिसाब से ना सब लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, सब लोगों को अलग अलग नोट्स दूंगा, कुछ भी करूंगा, मगर आप लोगों के ना फुल स्कोर करा दूंगा। हिंदी की तो बिल्कुल जिम्मेदारी छोड़ दो मेरे ऊपर, और जबकि देखो मैं ना अपनी वीडियो में ऐड तक नहीं लगाता आप लोगों के लिए, आप लोगों तक के लिए ऐड नहीं आते मेरी वीडियो में, मगर फिर भी आप लोग एक शेयर करने के लिए कहता हूँ, वहाँ भी पता नहीं क्या आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है, मगर कोई बात नहीं, आप लोग अपना समझते होगे ना, अपना समझोगे तो कर दोगे शेयर, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा तो धर्म है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, और कुछ लोग जिनका भला हो सकता है वो पढ़ते रहो, इसी तरह हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक अच्छा अपना हिंदी में स्कोर कर सकें। मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि हिंदी में तो कम से कम अपनी राजभाषा, मातृभाषा एक ही है, इसमें तो फुल स्कोर कर ही लें, तो प्लीज़ शेयर करना ना आज अगर हो सके तो। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो इसमें विशेषण क्या है, विशेषण होगा पति कैसा है, प्रवासी, पति की विशेषता क्या बता रहे हैं, प्रवासी है, तो इसमें प्रवासी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और पति क्या हो जाएगा इसमें, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट, डैश से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, तो किससे होती है, ये होती है विशेषण से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, UPSI 2017 में पूछे गए, देख लो दिसंबर में। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, ढेर सारे खिलौने खरीदे, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। संख्या तो होगी ना, ढेर सारे कितने, 100 खरीद लेंगे, 200, संख्या तो होगी ना आखिर में, अनिश्चय ढेर सारे, तो 10 भी खरीद सकती है, 10 को भी ढेर कह सकते हैं, बड़े बड़े खरीद लो तो 10 से ही ढेर लग जाएगा, छोटे छोटे से खरीद लो तो 100 से भी ना लगेगा, तो अनिश्चय हो जाएगा, ठीक है। विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी विशेषताएँ होती हैं, तो इसमें होती हैं 3, कितनी होती हैं 3, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, कितने प्रश्न करने हैं, कितने प्रश्न करने हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, संख्या होगी ना, 10 करने हैं, 50 करने हैं, पेपर में लिख के आता है ना कि आपको 100 में से 90 प्रश्न करने हैं, जब 10th के पेपर देते थे तो आता था ना 5 में से 3 करने हैं, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। अब परिवार तो है नहीं, 10 किलो प्रश्न तो करने नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़ सोचना, और फिर भी अगर देखो भाई कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, हिंदी में अभी इंटरेस्ट जागा हो, तो हो सकता है आप लोगों के लिए टफ हो, मगर जितने भी लोग मेरे शुरुआत से जुड़े हुए हैं या पिछले एक मंथ से भी जुड़े हुए हैं ना, तो मैं नहीं समझता कि उनका एक नंबर भी कटेगा, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, और अगर कट जा रहा है कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन में हो जा रहा है
तो उसके लिए मैं अभी भी हूँ। नहीं तो आप एक चीज़ देखना कि सारे क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, इस तरीके से डेली बता चुका हूँ ये सारे फैक्ट्स में आपको। यह कहानी रोचक है, कहानी क्या है आपकी संज्ञा, यह क्या है सर्वनाम, और रोचक क्या है विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से कभी पैटर्न बनता है ना, विशेषता संज्ञा और फिर यहाँ सर्वनाम, तो वो हो जाता है सार्वनामिक। क्या हो जाता है? सार्वनामिक। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो मैं ऊपर बता रहा था, तीन अवस्था होती हैं विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये प्रथमावस्था कुछ नहीं होती। अब देखो न्यूनतम पूछ रहा है, देखो कैसे निकालते हैं तम, और अगर होता न्यूनतर और होता न्यून, ठीक है। अगर तर आ जाता है तो तर यहाँ आ रहा है तो ऐसे लगा देना, तो कौन सी हो जाएगी? उत्तरावस्था। तम यहाँ आ रहा है तो ये कौन सी विशेषता हो गई? ये हो गई उत्तमावस्था। अगर तम दिख जाए तो तम, ऐसे ही अगर जब आपको देगा ना एग्जांपल, तो उसमें तम होगा तो तम के साथ लगा देना, तर होगा तो तर के साथ। अगर तर और तम ना हो तो लगा देना आप मूलावस्था। तर और तम ना हो तो क्या लगा देना? मूलावस्था। तीन ही होती हैं ये, हमेशा के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं हो सकती इन चीज़ों को निकालने की। फिर भी कोई दिक्कत होती भैया पूछ लेना, कोई टॉपिक पढ़ना हो तो वो पूछ लेना। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, तो इसमें योग्य क्या है? ये आपका गुण, क्या है गुण। और एक चीज़ याद रखा करो, जब आप कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ पूछते हो ना, तो मैं नेक्स्ट डे उसको वीडियो में शामिल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ नेक्स्ट डे ना वीडियो देख लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि आज आपने पूछा, नेक्स्ट डे आपने वीडियो नहीं देखी, उसे अगले दिन देखी तो फिर कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं हमें। ठीक है, और कोई कमी लगा करें ना आप लोगों को मेरे में या कुछ भी, तो वो भी बताओ भाई। आप लोगों के सुझाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं इस चैनल के लिए। चीनी, मद्रासी और बिहारी आदि शब्द कौन से विशेषण हैं? तो ये क्या है? स्थानवाचक है। कौन से? स्थानवाचक है। अब देखो एक चीज़ बताऊँ, बिहार से ना जब वो फांसी दी जाती है ना, जब भी कभी भी अगर फांसी दी जाती है किसी को अपने देश में, तो उसके लिए जो रस्सी आती है ना, वो बिहार की बक्सर जेल से आती है। किससे? बक्सर जेल। तो मतलब याद रखना कि जितनी भी रस्सी यूज करते हैं ना फांसी देने के लिए, वो बिहार से आती है, बिहार की जेल से। ठीक है, ऐसे ही बस एक्स्ट्रा फैक्ट था, बता दिया मन में आया तो। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। राम अच्छा है, तो अच्छा क्या है? विशेषता है राम की, तो राम क्या हो जाएगा? विशेष, अच्छा हो जाएगा विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में से पवित्र का, पवित्रता का विशेषण क्या हो? पवित्र हो जाएगा। ऐसे देखो, सीता पवित्र है, सीता पवित्र है, तो पवित्र क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है सीता की। ठीक है, तो पवित्र क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ख़त्म हो गया प्रैक्टिस सेट, और अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना प्लीज़, अपना मानते हो तो कर देना यार, नहीं तो अगर कुछ नया सीखा भी हो ना, अगर न्यू सीखने को मिला हो तो कर देना प्लीज़। बाकी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अपना और अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।